तो दोस्तों, एक तरफ सिर्फ विवाद 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 सिर्फ विवाद, एक तरफ सिर्फ विवाद हो रहा है और एक तरफ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो अपने गाना बजाना पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कलाकारी पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बात कर रहा हूँ धनंजय धड़कन जी के बारे में, जिनका एक गाना 2 सप्ताह पहले आया है, जिस गाने का टाइटल है बलमा कदर न जाने। जिस गाने का मिलियंस ऑफ व्यूज़ पार है, 1.5 मिलियन के आसपास व्यू है उसका यूट्यूब पे, और अच्छा खासा रील्स भी बन रहा है, बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है उस गाने को। धनंजय धड़कन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से गाना आया है बलमा कदर न जाने। एक तरह विवाद देखते हैं बड़ा लोग, ये विवाद में बड़ा लॉस होला, जो जूनियर सिंगर है ना, जो आपसे जूनियर है, छोटे कलाकार हैं, उनको बड़ा दिक्कत होता है, उनको बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उनके गाने पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब खोले तो सिर्फ विवाद विवाद विवाद, उनके गाने को इफेक्ट पड़ेगा, गाने पे व्यूज़ नहीं आते। लेकिन फिर भी ऐसे कलाकार को सपोर्ट करिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए जो इतना सारा विवाद होने के बावजूद अपने गाने पे ध्यान दे रहा है, अपने कलाकारी पे ध्यान दे रहा है। तो बलमा कदर ना जाने गाने का टाइटल है और धनंजय धड़कन एंटरटेनमेंट से आया है, जिसको गाया है धनंजय धड़कन जी ने, लिखा है मिट्ठू मार्शल जी ने इस गाने को लिखा है भैया, मिट्ठू मार्शल जी का लिखा हुआ ये गाना है। काजल कश्यप जी ने इस गाने में काम किया है, बहुत बढ़िया गाना है। एक बार आप जाकर धनंजय धड़कन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से सुनिए, वीडियो बहुत बढ़िया बना है इस गाने का, बलमा कदर ना जाने। किसने किसने इस गाने को सुन लिया ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, कैसा लगा गाना, गाने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, गाने में सबसे खास बात क्या है, क्यों आपको गाना पसंद आ रहा है। और जिन्होंने नहीं सुना है उनसे रिक्वेस्ट है, उनकरा से नहीं हो रहा भैया, कि जा लोग धनंजय धड़कन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल सर्च करो लोग, इस गाने को ये गाना के सुना लो, ना तो और गाना के टाइटल है सर्च मार के सुना लो, ना तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक वाला लिंक को आप टच कर सकते हैं, और लिंक को टच करते हैं और डायरेक्ट गाने तक पहुंच जाएंगे। गाने को सुनिए, बलमा कदर ना जाने, और बताइए कि गाना कैसा लगा। तो ठीक है, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।